नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2017 का मामला, जिसमें माननीय लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच के द्वारा 14 विवादित प्रश्नों को हटाए जाने के बाद से यह मामला माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में गया था, और उन्होंने इस 14 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को ही गलत मानते हुए उसके बाद से फैसला दे दिया था। फिर यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच की द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया था। इसका अर्थ ये हुआ था कि एकल खंडपीठ के द्वारा जो फैसला दिया गया था 14 विवादित प्रश्नों को हटा करके, उत्तर प्रदेश शासन को यानी कि पीएनपी को फिर से रिजल्ट जारी करना था यूपी टेट 2017 के संदर्भ में। दोस्तों, अब ये मामला फिर से एक बार हाईलाइट है, और आज ही इस केस की सुनवाई कंप्लीट हुई है, और इस केस में अगली डेट जो लगी है वह 29 मई 2019 की लगी है। दोस्तों, माननीय कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अगली डेट 29 मई 2019 पर शासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए कि क्या कुछ इसमें अभी तक किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।